checking 123 assalam alaikum this is Arjun Vortex live from urdu mazlabi umeed karta hu aap log khush honge khairiyat honge aap logo meri awaaz crystal clear aa rahi hogi let's get ready for the entertainment and for enjoyment with me tonight on urdu mazlabi's radio I'm trying to explain baby the best way I can you know in your mouth and my life get to the candy shop I'll let you lick the lollipop go ahead girl don't you stop Go until you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Okay, guys, I'm here, and I hope everyone is fine and doing good and enjoying your time on the chat as well as the radio. और जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया सबको करेंगे वेलकम और आज की जो रात होती है फ्राइडे नाइट हम लोग जो है वो शो करते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन उर्दू मजलाबी एंड लेट मी चेक आउट के जो है वो कौन कौन जो है वो हमारे साथ इस रेडियो के स्केड्यूल में इस वक्त मौजूद है ऑलराइट एंड आज का जो डीजे था वो जिंदगी का था 7 PM पे आरजे रिशेल थे 9 PM पे जो कि शायद एब्सेंट थे आरजे खुबैब 10 PM पे वो भी शायद एब्सेंट थे आई एम नॉट बी एबल टू कमिंग हियर एंड आरजे मैजिशियन का शो था 11 बजे एंड आई एम रियली सॉरी टू माई फ्रेंड और ओल्ड बडी हैं एंड उनको भी टाइम चाहिए था हमारे पास लेकिन उनकी शायद लाइट चली गई थी तो वो मिस हो गए और सबकी लाइटें जा रही हैं तो शो डिसकनेक्ट हो रहे हैं और सबका लॉस भी हो रहा काफ़ी एंड मेरे बाद जो है अरमान का शो है आरजे अरमान शो करेंगे 2 बजे जो है वो डीजे कार्ले शो करेंगी और 3 बजे जो है वो शाजी का तो आप लोग जो है वो न्यूज़ चेक कर सकते हैं प्लस इस यही बात है कि रेडियो ये ना कोई मसला नहीं है लेकिन ऑफिशियली हम वीकेंड पर शो करते हैं तो ये हो जाता है और आज थोड़ा सा डीजे भी किया मैंने और हाफ एन आवर का क्योंकि आरजे इज़ एब्सेंट थे एंड आई डोंट नो मेरे ख्याल से वीकेंड है तो वो बिजी थे एनीवेज और आज का जो है हम इन्जॉय करेंगे UML पर और कुछ टॉपिक भी देंगे आपको और आपके साथ कुछ इंटरटेन करेंगे इलेक्ट्रीफाइंग करेंगे आपकी सोल्स को आपके मूड्स को एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हार्टलेस इज सेइंग ब्रो मैं किसका शो लूँ जो नहीं हो अवेलेबल एबसेंट हो आप ले सकते हैं और यही हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे आरजेस हैं नहीं तो अगर 3 बजे भी हार्टलेस आप तो फ्री होते हैं उस टाइम पे अभी इस टाइम शायद आपका ऑफिस होगा तो यू विल टेक द प्लेस अगर कोई आरजे वहाँ नहीं है एंड सलीना ने हमें ज्वाइन किया सलीना को करेंगे वेलकम हमारे साथ मौजूद हैं देखते हैं कौन कौन हमारे साथ मौजूद है ब्लैक हार्ट हमारे साथ मौजूद है आपका भी शुक्रिया आज हॉरर शो नहीं है भाई ये नेल पॉलिश ज़ाया जो कर रहे हैं ना उंगलियों में से ये गलत हो रहा है ये संडे को लेकर आइएगा एंड हुआ भी सीन ये कि शहजादी भट्ट भी कनेक्ट करने वाले थे शहजादी भट्ट को पता नहीं था एंड ब्लैक हार्ट ने कनेक्ट किया मैंने उनसे जाके पूछा ब्लैक हार्ट आपने कनेक्ट किया था रेडियो कह रहे नहीं वो तो शहजादी भट्ट थी जबकि उनको ये नहीं पता नीचे जब भी कोई कनेक्ट करता लिखा हुआ आता लाइव ऑन UML ब्लैक हार्ट तो वो मैंने पकड़ लिया लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं एनीवेज एटीट्यूड मैन ने हमें ज्वाइन किया इनको वेलकम करते हैं द हरीम इज हेयर और हरीम को वेलकम करते हैं इरम न्यूली हमें ज्वाइन कर चुकी है इनको वेलकम करते हैं हार्टलेस हमारे साथ रॉक स्टार मतलब लॉबी हमारे साथ मौजूद है द गॉर्जियस आरजे सलीना इज हेयर
ब्लैक हार्ट इज हियर, शजर हमारे साथ मौजूद हैं, पबजी के प्रो प्लेयर हैं। अगर आप लोग इनके साथ खेलना चाहते हैं तो उनसे आईडी अपनी शेयर कर लें पबजी की और जाकर खेलें, और बहुत अच्छा खेलते हैं ये। मासूम दरिंदी ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। इनकी तबीयत ख़राब है, इनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, आमीन। एंड बड़ी हमारे साथ आ चुके हैं, इनको वेलकम करते हैं। प्लस सितारा बहना हमारे साथ मौजूद है, सितारा आपको भी वेलकम करते हैं। एंड सनशाइन ने हमें ज्वाइन किया, सनशाइन को भी वेलकम करते हैं। सो दिस इज 12 AM, यू आर लिसनिंग आज लाइव फ्रॉम कराची। एंड आप लोग पाकिस्तान में या दुनिया में जहां कहीं से भी मौजूद हैं यहां हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कतर, एमरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में से जहां कहीं से भी मौजूद, या एशियन साइड में से चाइना, पाकिस्तान, आप सबको करते हैं वेलकम अपने शो। शहजादी भट्ट भी हमारे साथ आ चुकी हैं, शहजादी भट्ट को भी वेलकम। एंड बिफोर आई एम गिविंग यू द टॉपिक, हम एक ट्रैक लेंगे यहाँ पे और नाम करेंगे UML के तमाम लिसनर्स जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कनेक्टेड हैं ऑन द रेडियो विद द वोटेक्स। एंड आई होप यू इलेक्ट्रीफाइंग योर सोल्स विद मी टुनाइट। 1 आवर का हमारा साथ रहेगा और ट्रैक की तरफ चलते हैं। मुझे यकीन है आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, ट्रैक को मेरे साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। एंड ट्रैंकुलाइजर ने मैं ज्वाइन किया, ट्रैंकुलाइजर को भी वेलकम करना चाहूंगा अपने शो। नो शजर, वॉइस ब्रेक नहीं थी, मैंने छोड़ दिया था माइक। सो गाइज, गेट रेडी फॉर रॉक एंड रोल विद मी टुनाइट ऑन उर्दू मजल लॉबी। हियर कम्स द फर्स्ट ट्रैक फॉर योर सोल्स, एंड आई होप यू एंजॉय दिस ट्रैक विद मी। सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड मीट यू आफ्टर दैट। एंजॉय द ट्रैक। एंड हार्टलेस हमसे कह रहे हैं, आई हैव अराउंड एंड आई हैव अ चीज स्टिक, वेरी गुड। खा रहे हैं हार्टलेस, ब्रो ईट वेल एंड एंजॉय द म्यूजिक। Before I go with this track, मासूम दरिंदी हमसे कह रही हैं कि ऐसी पोनी कभी आपने बांधी है? तो बिल्कुल मैंने बांधी है और मेरे बाल बड़े बड़े ही थे। अभी मैं फाइनली अपना हेयर कट कटवा लिया है और आई एम बिकम अ जॉन सीना नाउ। सो आई मिस माई हेयर्स, माई पोनी, और अब वो जब सर्दी आएंगी तो फिर से बाल बढ़ जाएंगे। बिफोर वी गो विद द म्यूजिक, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट टुनाइट्स म्यूजिक इज इलेक्ट्रीफाइंग द रेडियो एंड द UML's क्राउड एज वेल एज दिस प्लेटफॉर्म विद मी। So get ready for that. Yeah.
जा। Here we go. कैप्टन इज बिटवीन अ साइलेंट आईज और मुझसे कह रही है लगता है आपको जो है वो आरामदेह ट्रैक जो है वो पसंद नहीं है, कोई बताओ इनको, लोगों को ही बताओ, इन्होंने शायद वोर्टेक्स को पहले कभी सुना नहीं है। सो दिस वन इज फॉर साइलेंट आईज। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। ये तूने क्या किया, कुछ भी है जो कुछ भी cielo y tierra y no te encontré, y llegas hoy tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer. Tú eras un niño, tú eras un sol, y las manitas traje señorita, y estás aquí, mohabbat ki, sari duniya me ki zubaan hai señorita. Mujhse ab nazar na phero, समझी ना।
मचा ले धूम मचा ले धूम All right, welcome in the midnight show with RJ Vortex and Urdu Mazalabi and electrifying your souls with me tonight. And humse keh rahi thi silent eyes jo hai thoda sa hausla hota hi nahi hai hamare andar jab hum show karte hain aur hausla jo hai agar mere andar down ho jayega to mere jo fans hain jo mere friends hain jo mujhe sunne aate hain wo sab down ho jayenge to I don't want to giving you any tension or see you in the tension main aap logon ko tension mein nahi dekh sakta theek hai so we are here thank you so much Blackheart for welcoming me on RJ thank you so much Sitara Selena for giving a poster on the main chat regarding RJ is on here kindly tune in your radios Asad ne hame join kiya inko welcome karte hain and I must say here for deeply condolences to the people to the families for those who lost their loved ones aur yahan par jo hai kuch azim log jo hai wo chale gaye hain is duniya se जिसके जिनके लिए हम दुआ करेंगे और ऐसी ही न्यूज़ हमारे पास जब भी आप लोग उर्दू मज़ा लॉबी में ज्वाइन करते हैं हमेशा न्यूज़ का चैनल को न्यूज़ के जो सेक्शन है लेफ्ट साइड पर उसको चेक किया करें एंड जब मैंने न्यूज़ को चेक किया जब मैंने अनाउंसमेंट के लिए स्केड्यूल के लिए तो वहाँ एक पोस्ट लगी हुई है राजपूत साहब की वो कह रहे हैं माई बिलव सिस्टर डॉक्टर अनम रज़ा फाजिल हैज़ डाइड इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम दुआ करते हैं डॉक्टर अनम रज़ा की मगफ़िरत फरमाए अल्लाह पाक और इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए इसी तरह the great personality आमिर लियाकत साहब जो है वो नहीं रहे हमारे बीच और उनके लिए भी मगफरत की दुआ करते हैं और उनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे आमीन एंड द ग्रेट मुशर्रफ प्रेजिडेंट मुशर्रफ जो थे प्राइम मिनिस्टर मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ वो भी हमारे बीच नहीं रहे उनके लिए भी हम मगफरत की दुआ करते हैं और अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ़ करें उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए आमीन जो लोग चले गए दुनिया से उनको कहते हैं उनके लिए सेम यही दुआ है और अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए आमीन और जिनकी आज बर्थडे उनको कहते हैं हैप्पी बर्थडे वंस अगेन इन योर लाइफ तो दुनिया एक ऐसी ही चीज़ है जिसमें आना जाना लगा रहता है बस एहसास इसलिए नहीं होता या समझ इसलिए नहीं आती कि कभी कभी वो चीज़ हमारे घर में नहीं होती तो जिनके घर में होती है एक ना एक दिन जो वहाँ पर शिरकत करने जाते हैं उनके घर पर भी वो चीज़ होनी होती है तो ऐसे काम करें जिससे कोई पछतावा ना बचे आपके पास एंड में और दूसरों का ख्याल रखें खुश रहें और दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें और अगर कोई ज़्यादा तंग करे तो खामोश हो जाएं दूर हो जाएं ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए तो ये मेरी कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी थैंक यू सो मच एंड ये जो मैंने आज BGM सेट किया था ये मिरहा के लिए सेट किया था मिरहा का एक 50 सेंट का म्यूज़िक है स्पेशली शी इज़ नॉट हेयर बट मैंने उनके लिए सेट किया था बिकॉज मुझे ये गाना पसंद था वो प्ले करती थी अपना एज अ BGM तो मैं थोड़ा सा उसको फास्ट करके रिमिक्स करके ले आया हूँ नेक्स्ट ट्रैक जो है वो मैं सॉर्ट कर रहा था लिस्ट में एंड वो ट्रैक जो है वो सलीना को बहुत पसंद है यहाँ पे आप सबको भी पसंद ही होगा इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग सॉन्ग इन पाकिस्तान स्पेशली कोक स्टूडियो और सैयद अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आज के जो मैंने ट्रैक्स रखे हैं वो सारे एनर्जेटिक हैं उसमें फुल धमाल है फुल वो धमाल इसलिए नहीं है कि मुझे वो ट्रैक्स पसंद है वो तो पसंद है ही मुझे आई नो आई लिसनिंग रॉक मेटल एंड ऑल बट वो ट्रैक्स मैंने इसलिए सेट करें कि यहाँ जितने लोग हमें सुनने आते हैं वो हमारे साथ एनर्जेटिक हो जाएं मैं अगर सेट ट्रैक प्ले करूंगा आप सुनेंगे सोचेंगे फिर आपको अपने चाहने वालों की याद आएगी उसमें से कोई चला गया था अब वापस आया नहीं वो फिर आप उसको याद करें फिर शो से ध्यान हट जाएगा आपका तो ये एक रेसिपी थी एक सीक्रेट रेसिपी थी जो मुझे शेयर करनी थी सैयद अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा टू मेकिंग अ चैनल ऑन यूट्यूब सैयद अब्बास बहुत अच्छा शो करते हैं बहुत अच्छी पोएट्री पढ़ते हैं हमेशा हमें इज्जत देते हैं हमसे प्यार से बात करते हैं और हमारे साथ शामिल हो जाते हैं आई एम ग्लैड टू सी साइलेंट आइज इस न्यू कमर एज DJ ऑन रेडियो बहुत अच्छा DJ करती हैं और थोड़ा सा सैड रहती हैं लाइफ में थोड़ा सा उस साइड पर रहती हैं जिस साइड पर मैं 5-6 साल पहले रहता था बट देन आई ब्रेक द वॉल्स आई गोइंग ऑन इन माई लाइफ आई एम मूविंग ऑन इन माई लाइफ एंड नाउ गोइंग एज नाइट्रो राइट नाउ तो होप के साइलेंट आइज को भी हम यहाँ तक ला पाएंगे और अभी भी वो जो है DJ करती हैं तो आप लोग भी सुनें और उनको अप्रिशिएट करें और जितने नए RJ आए हैं यहाँ पे उर्दू मज़ा लॉबी पे उनको मेरी तरफ से वेलकम है जो लोग करते हैं आप सबका बहुत शुक्रिया आवाम को यहाँ एंटरटेन करने के लिए नेक्स्ट शो की तरफ चलेंगे आई होप आप लोगों को शो कह रहा हूँ सॉन्ग की तरफ
और आप लोगों को वो इंजॉयमेंट मिलेगा उस ट्रैक से. सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर एंड एंजॉयिंग द ट्रैक टुगेदर. एंड सलीना के लिए ये सरप्राइज था, क्योंकि जब मैं सॉर्ट कर रहा था तो मैंने कहा ये तो ट्रैक सलीना का फेवरेट है. नाइस डीपी शहजादी बट, और आपका बहुत शुक्रिया. आप डीपी में जो है उस पर भी कोरोना से बच रही हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं, और आई होप आपको डीपी के अंदर से भी जो है वो कोरोना नहीं लग सकता है. वैसे तो वो ख़त्म हो चुका है, सब वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन मैं फिर भी शहजादी बट ने सोचा मैं मास्क पहन के आऊँ. बिल्कुल वो निंजा बन के आई हैं और मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई. दुर्रे नजफ़ ने हमें ज्वाइन किया है. दुर्रे नजफ़ हमारे साथ मैनेजमेंट में अभी अभी शामिल हुई हैं. इनको भी वेलकम करते हैं अपने शो में और इन्जॉय करते हैं और चलते हैं एक ट्रैक की तरफ. इन्जॉय करते हैं इस ट्रैक को एंड देखते हैं सलीना के क्या रिएक्शन हैं इस ट्रैक पे. लेट्स हैव अ लुक द अपकमिंग ट्रैक. स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग एंड एन्जॉय योर ट्रैक्स ऑन UML's रेडियो विद आरजे वोर्टेक्स एंड टेक अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम वंस अगेन पसूड़ी. और सलीना को ये ट्रैक जो है बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, और मुझे पता था कि एज यूजुअल उन्होंने कहना है सेंड मी द लिंक आरजे प्लीज. एंड वन थिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू के आरजे जब बनते हैं तो मैट कुछ कह रहे हैं यहाँ पे. आरजे मैंने कैंडी शॉप टाइप कर देना है. नहीं नहीं नहीं, थोड़ा लिहाज करना भाई प्लीज. मैड ऐसे एंटरटेनमेंट जो है वो यहाँ पे करते हैं उर्दू मज़ा लॉबी पे, और हमारे बहुत अच्छे यूज़र हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि इनकी खुशी ऐसे ही जारी रहे और ये ऐसे ही खुश रहें. जो आके यूज़र्स का भी ख्याल रखते हैं, उनको भी इंटरटेन करते हैं, ख़ुद भी इंटरटेन होते हैं, हंसते रहते हैं हर वक्त. चाहे इनके घर में कितने भी गम हो, हम इनको समझ नहीं पा सकते कि ये किस वक्त किस मूड में है. डार्क फायर ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे. ऑसम ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे. मेरा हमारे साथ आ चुके, इनको वेलकम करते हैं. एंड हानी ने हमें ज्वाइन किया है. माई पार्टनर इज हेयर, और हानी को वेलकम करते हैं. मासूम दरिंदी हमारे साथ मौजूद हैं, सुन रही हैं, इनको वेलकम करते हैं. मुझे एक्साइटमेंट हो रही है रेहान अली को देख के, कि रेहान अली जो है वो न्यू हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और
मुझे हैरानी हो रही है कि ये भी हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड साइलेंट आइस कह रही है मैं अपसेट नहीं रहती, मेरी आदत ऐसी है। तो साइलेंट आइस को कहेंगे कि अभी तो हम मिले हैं, अभी तो हम आए हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपकी आदतें कब चेंज हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सैर ने हमें ज्वाइन किया है, द ग्रेट डीजे ऑफ उर्दू मज़ल्ला, भी सैर को भी वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे ट्रैक्स प्ले करती हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। एंड मेरा टाइम अगर किसी को चाहिए हो, मेरा रेडियो किसी को चाहिए हो, तो मैं अपने क्रियू मेंबर्स, क्रियू स्टाफ जो मेरे साथ काम करता है, मैनेजमेंट, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे 2-3 दिन पहले बता दिया करें, फिर मेरा टाइम क्या, मेरा पूरा वीकेंड ले लें, मुझे कोई मसला नहीं। क्योंकि शो जब स्टार्ट होने वाला हो उससे 15 मिनट पहले आई वॉज जस्ट प्रिपेयर माई सेल्फ, और एक जो रिदम बन जाता है फिर वो मैं तोड़ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ लोग वेट कर रहे होते हैं और उनको भी चूना लग जाता है कि आरजे वोटिक्स जो है वो आए नहीं है रेडियो पर शो करने के लिए। तो बराए मेहरबानी चूने कत्थे और पान और छालिया का एहतराम करें, पुराने वक्तों से लोग खाते हुए आ रहे हैं, और मुझे 2-4 दिन पहले से अपॉइंट कर लें ताकि मैं आपको अपनी पूरा स्पेस दे दूँ, पूरा टाइम दे दूँ, और आप मेरी जगह आके शो कर पाएँ। क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा खुशी जब होती है जब आप लोग यहाँ शो करते हैं और आप लोगों को मैं हंसता हुआ देखता हूँ, क्योंकि आपकी खुशी में मैं खुश होता हूँ, दैट इज़ द ओनली थिंग। एंड टॉक्सिकेंट ने हमें ज्वाइन किया है, माई ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपको वेलकम करते हैं, वेलकम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ उर्दू मज़ल्ला भी टॉक्सिकेंट। एंड यू गाइज आर ऑल्सो चेक आउट द ट्रैक्स एंड दिस शो रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब यूनिवर्सिटी आफ्टर एंडिंग दिस शो, और वो आपको मिल जाएगा। मेरे को करते हैं वेलकम, एंड मेरा शौक हो रही होंगी इस वक्त इनको ये कहाँ से मिल गया BGM। ऑलराइट सैयद अब्बास साहब कह रहे हैं वेल सेट, थैंक यू सो मच सैयद अब्बास साहब। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ट्रैक्स को भी लेके चलूं, आपको भी लेके चलूं, बट हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होता है, 1 घंटा होता है टू डूइंग अ शो ऑन द रेडियो, एंड मैं उस पर सबको कवर करना पड़ता है मुझे, तो वो बड़ा एक हार्ड टास्क होता है मेरे लिए, अगर वो नहीं होता तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता। पहला शो हमने सुना पसूड़ी के हवाले से ट्रैक, और आप लोगों को पसंद आया, सारे ट्रैक्स ऐसे ही हैं, आप लोगों की तबीयत हरी भरी कर देंगे, एवर ग्रीन कर देंगे। शजर हमसे कह रहे हैं आरजी ये शहजादी भट्ट को बताना कि मैं शाजी नहीं हूँ। नहीं, ये शाजी नहीं है शहजादी भट्ट, ये पबजी के एक प्लेयर हैं, और जब मैं यहाँ न्यू आया था तो उन्होंने शो छोड़ दिया था उस टाइम पे, अब ये करते नहीं है, अब ये गेम्स की तरफ चले गए, यानी कि मेरी पुरानी हॉबी की तरफ। मैं भी खेलता हूँ तो आप भी खेल सकते हैं इसको। एंड मेरा गुड टू सी यू बैक, और द सोल टचिंग वॉइस ऑफ उर्दू मज़ल लॉबी, मेरा जो है जब शो करती हैं बहुत अच्छी इनकी पोइट्री होती है, और इनके ट्रैक्स होते हैं या इनका BGM होता है, और इनका जब BGM इन्होंने प्ले किया था तो मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ था इनके BGM से, एंड नाउ आई क्रिएट दैट BGM इनटू द न्यू वर्जन एंड मेक माय BGM। साहिल खान ने हमें ज्वाइन किया, मणा आपको वेलकम करता है यहाँ पर उर्दू मज़ल लॉबी के प्लेटफॉर्म पर, उम्मीद करता है आप खैरियत से होगा, खुश होगा, बाल बच्चे ठीक होगा आपके, और सब है, लाइट तो नहीं जा रही, ये बंदा लाइट जा रही हो या नहीं जा रही हो जनरेटर ऑन करके हमारे लिए शो करता है। तो अ बिग सैल्यूट टू साहिल खान फॉर डूइंग द स्टफ लाइक दिस टू एंटरटेन द पीपल वाइल देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस। टॉक्सिकन कह रहे हैं आरजे ब्रो UML मीन्स यूनिक म्यूचुअल लॉबी, अब आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके आगे, लेकिन ये उर्दू मज़ा लॉबी है, यूनिक म्यूचुअल लॉबी नहीं है ये। सो लेट्स गो फॉर द ट्रैक हियर, बातें चलती रहेंगी ऐसे ही आपको इन्जॉयमेंट देते रहेंगे, टॉपिक आपको दे देते हैं आप। बहुत सारे लोग स्लो ट्रैक्स भी सुनते हैं, बहुत सारे लोग फास्ट ट्रैक के शौकीन होते हैं, सबका अपना अपना मूड है, अपना अपना टेस्ट है। तो लेट मी गिव यू वन रेसिपी, अगर आप लोग किसी का ट्रैक सुन रहे हैं और वो उसको पसंद है और आप लोगों को पसंद नहीं आता है, तो लेट इट गो करें, उसको लेट गो करें, उसको जाने दें, वो उसकी पसंद है। तो हमें दूसरों की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। रोड पर जब हम गाड़ी लेके निकलते हैं तो सिर्फ अपना नहीं सोचना पड़ता कि हमें ही ड्राइव करना है। सलीना जब भी गाड़ी लेके निकलती हैं रोड पे पीछे देखती हैं कोई आ तो नहीं रहा, ट्रैफिक इसी वजह से जैम होता है कि अगर सलीना पीछे वालों को नहीं देखेंगी तो आगे जो है वो गाड़ी ठोक देंगी, या फिर वो गाड़ी चलाती रहेंगी पीछे ट्रैफिक लोग वो मोबाइल पे लगी होंगी, बात कर रही होंगी घर पे, तो वो ट्रैफिक फ्लो नहीं हो सकता वहाँ पे। तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ द पीपल हु आर ऑन द रोड, क्योंकि हम जब तक सही गाड़ी नहीं चलाएंगे पीछे वालों को जगह नहीं मिलेगी आगे निकलने की, ठीक है। दूसरा ये कि ट्रैक की बात हो रही थी, तो स्लो फास्ट रीमेक्स ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैक्स हियर विद पोइट्री इंक्लूडेड एंड ऑल। तो आप में से जिन जिन को जो जो पसंद है वो आप हमसे शेयर करते हैं, मगर आज का टॉपिक है कि आपको कौन सा ट्रैक सही मायनों में पसंद है, जिनको जिस ट्रैक को सुन के आप कभी बोर नहीं होंगे, अब वो किसी भी लैंग्वेज में हो, पश्तो में हो, सिंधी में हो, बलोची में हो, पंजाबी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को ये बताना है आज का टॉपिक है आपका फेवरेट गाना कौन सा है, सॉन्ग कौन सा है, और अगर कोई चाहे हमारे साथ कॉल पे आके हमें गाना सुना सकता है। वेलकम टू द कैंडी शॉप ऑफ उर्दू मज़ल लॉबी। सलीना कह रही है LOL, हा 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 ड्राइविंग लाइक दैट, ओके
एंड थैंक यू सो मच मेरा फॉर सपोर्टिंग। मैट कह रहे हैं आरजे जिस ट्रैक की वीडियो में परियां हो वो पसंद है। मैट को दिन रात उठते बैठते सोते जागते सिर्फ परियां नजर आती हैं, और जब परियां इनको चैट पे मिल जाती हैं वो ज़रा सा इनसे बात करती हैं मैट शर्मा जाते हैं और साइड पे हो जाते हैं। मैट की हिम्मत नहीं होती इतने सारे लोगों को डील करने की, तो वो सिर्फ कहते हैं कि मुझे परियां चाहिए, रियल में उनको एक ही परी चाहिए जिनसे उनकी शादी होगी फाइनली। तो मैट को कहते हैं गुड लक। शानजा हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं वेलकम, उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। शहजादी भट्ट कह रही हैं मैं आऊं कॉल पे आरजे, आप आना चाहती हैं बिल्कुल आ जाएं, पीएम कर दें और आप कॉल पर आ सकती हैं। तब तक हम एक ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों के नाम करते हैं, आते हैं ब्रेक के बाद और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन लोग उर्दू मजा लॉबी पे मौजूद हैं। वेलकम वंस अगेन एवरीवन, लेट्स स्विचिंग ऑन द ट्रैक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Let's go. वेलकम वंस अगेन एवरीवन, और जिन जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनका बहुत सारा वेलकम, और जो हमारे साथ ऑलरेडी इस शो को सुन रहे हैं उनका स्पेशल वेलकम। हाई फ्लाइव हाफ लाइफ ने ज्वाइन किया, हाफ लाइफ को करेंगे वेलकम अपने शो में। एंड देयर आर नो न्यू पीपल, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। और आपका टॉपिक हमने ये शेयर किया था कि आपको बताना है आपका फेवरेट गाना कौन सा है जिसको आप गाड़ी में, घर में, बाहर कहीं, यूनिवर्सिटी में, टॉक्सिक एंड के लिए था ये, और मार्केट में कहीं भी सुने तो आप लोगों को वो सुन के मज़ा आ जाए। अब वो कौन सा ट्रैक है, यू गाइस कैन सर्चिंग इन योर माइंड, अपनी माइंड की जो डिक्शनरी है उसमें शेयर करें, उसमें सर्च करें कहाँ है वो ट्रैक और हमारे साथ शेयर करें ऑन उर्दू मजल लॉबी। एंड डूडल ने हमें ज्वाइन किया है, डूडल को वेलकम करते हैं, इनको देख के हमेशा मुझे गूगल याद आ जाता है। मेरा कहना, मुझे किसी ने कहा था ये कि यहाँ क्या लड़कों वाला BGM, अच्छा उनको ये कहा था कि यहाँ ये क्या लड़कों वाला BGM रखा है, फिर मैंने नहीं प्ले किया। मेरा लेट मी गिव यू एडवाइस ऑन दिस, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जब आप मार्केट में जाती हैं और बहुत सारे सूट वहाँ रखे होते हैं एंड आप अपनी मम्मा के साथ खड़ी हैं और आप सूट पसंद कर रही हैं, बराबर में कोई और खड़ा हुआ है, बराबर में जो है वो टॉक्सिक एंड खड़े हुए हैं, वो अपने जो है वो सूट पसंद कर रहे हैं, अपनी मम्मा के साथ आए हुए हैं, अब उसके साथ बराबर में जो है वो साइलेंट आइज खड़ी हुई हैं, वो अपना सूट पसंद कर रही हैं, तो टॉक्सिक एंड और मैड ये तो अपना सूट पसंद कर रहे हैं, आप दोनों अपना कर रही हैं एज अ गर्ल, वो एज अ बॉयज़,
आप जरूरी नहीं है कि जो सूट मेरा आपको पसंद आएगा वही साइलेंट आइस को पसंद आएगा, वो जरूर वो हो सकता है किसी और सूट पे हाथ रखें। ऐसी टॉक्सिक एंड अगर जो है अपने लिए सेंडो ले रहे होंगे तो मैड अपने लिए जो है वहाँ पर कोई जैकेट वैकेट पसंद कर रहे होंगे सर्दियों की। इस तरह का जो सीन है ना वो नहीं है जरूरी कि हमें पसंद आए, बहुत कम ऐसी चॉइस होती है जो लोगों को पसंद आए। तो इट्स नॉट दैट मीन कि आप जो है वो लोग अगर ये कह रहे हैं कि बीजीएम नहीं पसंद आया लड़कों वाला लड़कियों वाला है तो आप उस पर ना जाएं, आपको जो पसंद है आप वो करें, क्योंकि बीजीएम में कहीं लड़का लड़की लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बात मैं क्लियर कर दूं आपको क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो गई होगी माइंड में। सो दैट इज द थिंग। ईशाली ने हमें ज्वाइन किया, ईशाली को वेलकम करेंगे, बहुत ही ओल्ड बडी हैं, ईशाली को भी वेलकम करते हैं अपने शो में। टॉक्सिक एंड आरजे ब्रो जालिम, ओ जालिमा, तो मैंने आपको एक क्लियर जो है वो एडवाइस दे दी है। वी हैव अ पीएम हियर, लाइक लिफाफा आया है हमें बट साहब की तरफ से। बट साहब कहते हैं ओके ओके सही है, ठीक है साहब, हम कॉल पे लें लोगों को। एंड योर ट्रस्ट इज मेंटेन, डोंट वरी अबाउट द कॉल्स, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल ऑफ उर्दू मजल लॉबी, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी आपके साथ आके गाना हमें सुना सकता है। और अब हम चलेंगे एक और ट्रैक की तरफ, ट्रैक बहुत ज़्यादा हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अपने अपने सॉन्ग्स अपने अपने माइंड में सर्च करके रखें, इन्जॉय करें ट्रैक्स को, आने वाले ट्रैक को भी, और अपना जो फेवरेट ट्रैक है वो मुझे बताएं। मेरा जो फेवरेट ट्रैक है जिसको मैं सुनता हूँ वो है माइकल जैक्सन का थ्रिलर, जो मेरे हॉरर शो में बजता है। ठीक है, ये मेरा फेवरेट ट्रैक है इंग्लिश में, और उर्दू में क्या है ये हम आके डिस्कस करेंगे। टॉक्सिकेंट कह रहे हैं आरजे ब्रो वहाँ अगर साइलेंट डाइसिस होंगी, मैं तो बोलूं बाजी 1 आवर से आपसे एक सूट सेलेक्ट नहीं हुआ। अगर आपने ये बोल दिया 1 आवर से साइलेंट आइस से एक सूट सेलेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ अगर आप बोलते तो आपको बैन और किक पड़ती साइलेंट आइस से, और वहाँ वो अपनी जूती उतार के आपको दिखाती हैं कि उनका नंबर क्या है पैर का, उसके बाद आप जो है कुछ नहीं बोल पाते। सो दैट इज द थिंग, लेट्स स्विच ऑन द ट्रैक। जूलियन हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं और आते हैं ट्रैक के बाद और देखते हैं हमारे साथ कॉल पर कौन मौजूद है। I'm holding the scene, I share the
वेलकम करते हैं यहाँ पर एक बार फिर से उन सब लोगों को जो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी आवाम सब मौजूद है उर्दू मजल लॉबी पे। फ्राइडे नाइट है, सब अपने अपने हैंड फ्री लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, मोबाइल सब लेके बैठे हुए हैं। कोई जो है वो गाना सुन रहा है, कोई चैट इंजॉय कर रहा है, यूजर हमें कॉल कर रहा है अचानक, यूजर के अपने नखरे हैं, पहले पानी पीना है, उनको रेडियो ऑफ करना है, फिर उनको कॉल पे आना है। लेट मी चेक यूजर हमसे क्या कहते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। Alright guys, बात यह है कि कॉलर जो थी हमारे साथ मौजूद थी और वो आना चाहती थी, लेकिन उनको गाना जो है वो टॉपिक के हवाले से याद नहीं आया अभी, तो वो मैंने उनसे कह दिया कि भाई आप गाना जो है वो याद कर लें आराम से और फिर आप मेरे पास आ जाएं और फिर हम आपका गाना 5 मिनट के लिए ऑन एयर सुनेंगे। मिस जैनी ने हमें ज्वाइन किया है। मिस जैनी को करते हैं वार्म वेलकम ऑन उर्दू मजल लॉबी। मिस जैनी इज वन ऑफ दोज जिनको जो है मेरी तरफ से सॉन्ग ऑफ ऑनर मिला था, या आरजे ऑफ ऑनर मिला था, या केयर ऑफ ऑनर मिला था, कि जब मैं यहाँ से प्रैंक करके जा रहा था तो उन्होंने 4 दफ़ा मुझसे कहा था यहाँ से हिलना नहीं वरना मैंने शो समेत उड़ा देना आपको। सो हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं और वो अपना गाना याद कर रहे हैं। आप सबको भी टॉपिक दिया हुआ है कि आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है, जल्दी से उसको याद करें अपने दिमाग में और आकर हमारे साथ शेयर करें उर्दू मजल लॉबी पे। मैंने बता दिया था कि मेरा इंग्लिश जो है वो माइकल जैक्सन थ्रिलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ट्रैक्स में, और जो उर्दू था उसमें मुझे पैसा पैसा गाना बहुत पसंद है, जो पुराने वक्त का पैसा गाना था। और इन बॉलीवुड मुझे पसंद है, देर आर लॉट ऑफ ट्रैक्स, सो इट्स हार्ड टू डिसाइड, बट आप कोई भी बोल सकते हैं इट्स ओके, जो आपका फेवरेट गाना में से एक हो। और उसमें मुझे जो है वो एक पल का जीना पसंद है, तो आप हृतिक रोशन का, और आप लोगों ने भी सुना होगा एक पल का जीना फिर तो है जाना, तो ये सीन है। और वेलकम करते हैं कैंडी को भी, कैंडी क्रश को हमारे साथ, और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इतना एक निक रखा हुआ है और टॉफी का उसको शेप दिया हुआ है, दिस इज़ रियली कूल। मिस जैनी हमारे साथ आ चुकी हैं विद द ब्रेसलेट, इनको करते हैं वेलकम। ईशाली जा रही इनको कहते हैं टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, हैव अ गुड डिनर, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड स्लीप, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, एंड वी विल मीट अगेन सून। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और एक और पीएम हमारे पास आया है, ओके आप भी कॉल पर आएंगे, 5 मिनट के लिए ही ले रहे हैं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं आ सकते कॉल पे, ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस, ड्यू टू द पीपल, उनको भी चांस देना होता है। और अगर हम किसी एक को ले लेंगे तो फिर वो किससे कहानियां शुरू हो जाएंगी और वो कभी ख़त्म नहीं होंगी और लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे, तो दैट इज़ द थिंग। वी ओनली टेक फॉर 5 मिनट्स एनी पर्सन हु आर कमिंग विद अस ऑन द कॉल। ईशाली टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कैंडी कह रही है मेरा कोई क्रश है नहीं, हाँ पता है आप यहाँ शॉप खोलती हैं, आरजे के बैनर्स लगाती हैं, मुझे पता है। और कैंडी क्रश में गेम की बात कर रहा था, आपका डायरेक्ट क्रश पे बात चली गई आपकी। अल्लाह पाक आपको आपका मनपसंद दूल्हा अता फरमाए, आमीन, मेरी ये दुआ है अगर आप क्रश की बात कर रही हैं तो। और मैं चलूँगा एक और ट्रैक की तरफ। मिस जैनी कह रही हैं आरजे मुझे मुझसे डर तो नहीं गए, वाह मासूम दरिंदी, अपना प्रोटोकॉल देखो। तो वेलकम करते हैं एक बार फिर से सबको, और एक और ट्रैक की तरफ जाएंगे यहाँ पे, और ये बहुत ट्रैक बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों को पसंद आएगा। जब तक मैं कॉलर को देखता हूँ कि उन्होंने गाना याद कर लिया या नहीं, और कॉलर आने के लिए रेडी हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ तब तक के लिए कि वो क्या गाना सुनाएंगे या हमारे साथ आना चाहेंगे। तब तक के लिए आप इस ट्रैक को इन्जॉय करें, एंड हैव अ गुड ईव, हैव अ गुड नाइट ऑन उर्दू मजल लॉबी, एंड इन्जॉय योर शो, इन्जॉय योर ट्रैक्स विद आरजे वोर्टेक्स, एंड योर टाइम विद योर लव्ड वंस। मिलते हैं ट्रैक के बाद। I take you to the candy shop.
गाइस सॉरी फॉर इंटरप्ट द सॉन्ग, सॉरी फॉर टेकिंग अ ब्रेक हियर, वी हैव अ कॉलर और हम कॉलर से जो है उनका उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना गाना याद किया, बहुत ही अच्छी आरजे हैं हमारी और हमारे साथ मौजूद है। इट्स रियली ऑनर फॉर मी कि मैंने इनको अपने साथ कॉल पे लिया है और हम ऑन एयर आ गए हैं और कहते हैं यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम टू शहजादी बट। वालेकुम अस्सलाम तमाम सुनने वालों को खुशामदी। ओके आपको भी खुश आमदीद हमारे शो में और आपका जो ट्रैक था जो आपने याद किया है वो आप सुनाएं क्योंकि मैंने अपना ट्रैक बंद कर दिया है। जी जी बिल्कुल। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, ओ मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे के पैर जमीनों को, हंसना या रोना हो मुझे पागल सी ढूंढू मैं तुम्हें, कल मुझको इजाजत हो ना हो, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। Wow, what a great track and singing by Shahzadi Butt. और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आई अपने ट्रैक को गाया। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी अच्छा मेरे साथ गाएं चलें। 1 2 3 स्टार्ट। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको नहीं नहीं वो इट्स ओके वर्ड्स नहीं पकड़ने, बस गाएं। मैं फिर मैं भी थोड़ी देर लड़की बन गया हूँ ना, तुमको चाहूंगी क्योंकि मैंने देखा है लड़कियां जो है वो ऑलमोस्ट चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। असल में मैंने देखा है शहजादी भट्ट के ना लड़कियां ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती बॉयज के साथ, मैं थोड़ी देर के लड़की बन गया ताकि आप जो है वो मैं चाहूंगा फिर आप चाहूंगी बोलेंगी तो वो एक रीमिक्स टाइप का बन जाएगा, यू नो केचप और गार्लिक साथ मिक्स हो जाएगा फिर खाने का मजा नहीं आएगा, यू नो तो मैंने इसलिए आपको जो है वो तुम बता दिया ये कि आप दिल से चाहें अपने चाहने वालों को जो आपके शो में आते हैं, मैं उनको चाहता हूं जो मेरे शो में आते हैं और इसी तरह हम शो करते रहें हमेशा की तरह और ऐसे ट्रैक को गाते रहें और बिल्कुल ना रुकें। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत शुक्रिया आपका कॉल पे आने के लिए और आप चाहें तो देखें मैं आईडीज लेता नहीं हूं, सबके ट्रस्ट मेरे साथ है लेकिन अगर किसी को लगे ऐसा कि मैं मेरी तरफ से कोई डिस्टर्ब है तो वो आप मुझे ब्लॉक कर सकती हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन है ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कह रही है मासूम दरिंदी भी मुझे कह रही है साथ में कि आरजे टर्की जा रहा है और उन्होंने टर्की लिखा है कि मैं टर्की नहीं, मैं अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। सो थैंक यू सो मच मासूम दरिंदी को, अब हम शायद कॉल पे लें शहजादी भट्ट। अच्छा, वो कह रहे हैं टर्की जा रहा है, टर्की हाँ, मत टर्की जा रहा है हाँ। तो मेरी उर्दू तो वीक है ना, तो कुछ तो फायदा होगा ना मुझे, उसका तो अब क्या करें, सोच ही वही जाती है उनकी, क्या कह सकते हैं उसमें, वो डायरेक्ट टर्की भेजते हैं हमें, फ्री टिकट है। लेकिन नहीं इंसान की जो है ना एक वो फितरत होती है कि आप उसको एक व्हाइट स्क्रीन दिखाएंगे ना वो उसमें भी एक ब्लैक स्पॉट ढूंढेगा, कहाँ है ब्लैक स्पॉट, बोलेगा ये तो बेकार लग रहा है इसमें तो ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है। हमेशा लोगों को चाहिए कि वो जो व्हाइट कलर है उसको देखें, लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढें ना कि बुराइयाँ ढूंढें। अब वो टर्की भेज दिया कभी ना कभी लेकिन हम कौन सा जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आई नेवर माइंड ऑन माई फैंस, मुझे तो ये तो उन्होंने तो फिर भी टर्की भेजा है, लोग तो बोलते हैं क्या गाना लगाया हुआ, जैसे हाफ लाइफ कह रही थी आज आरजे का वॉल्यूम थोड़ा लाउड नहीं है, तो मैंने कहा थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लें अपना, कॉमन सेंस की बात है, आपको म्यूजिक बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद, लेकिन नहीं जी मुझे तो फुल वॉल्यूम करके सुनना, बेस फाड़ देनी है स्पीकर की, म्यूजिक निकल के बाहर आ जाएगा। तो हाफ लाइफ इतनी माशाल्लाह से इंटेलिजेंस है लेकिन कभी कभी जो है ना वो ऐसी बातें कर जाती हैं कि मुझे सोचने में मजबूर हो जाता हूं, मैं शो खत्म करूं उनको समझाऊं या पहले मैं शो पे फोकस करूं। सो थैंक यू सो मच अपना क्या बोलते हैं आपको, बहुत मशहूर नाम है आपका गुजरांवाला में शहजादी भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का।
और हमारे साथ एंजॉय करने का और ट्रैक को गाने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आपकी लाइफलाइन भी आपने यूज़ कर ली, आप 1 करोड़ जीत भी गई हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, फी अमान अल्लाह। All right, welcome people, the beautiful people of Urdu Mazal Lobby, the rock stars, the princess, the prince of their own universe, of their own homes. अपने अपने घरों के शहजादे और शहजादियों, आप सबका स्वागत है उर्दू मजल लॉबी के इस प्लेटफॉर्म पर आरजे वोटिक्स के साथ। शरारती ने हमें ज्वाइन किया है और कह रहे हैं आरजे ब्रो आप वर्ड्स भूल गए। मैं वर्ड्स इसलिए भूला कि उन्होंने टर्की जब लिखा ना और मैं मेन चैट पे इतने सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं इसलिए मैं उनको बता नहीं पा रहा था। एकदम मेरा ध्यान शहजादी भट्ट की तरफ हुआ एंड आई वाज सेइंग कौन सा आरजे है मेरे साथ कॉल पे। आप इतने सारे लोग हो तो मुझे तो भूलना ही है ना, आप लोगों में से कोई एक मिले मुझे तो मैं सिर्फ एक को कंपनी नहीं दे सकता, मैं सबको दे सकता हूँ। कैप्टन अमेरिका ने हमें ज्वाइन किया, इनको करेंगे वार्म वेलकम ऑन उर्दू मजल लॉबी। थोड़े से लेट हो गए बट रिकॉर्डिंग विल बी देयर ऑन द यूट्यूब, सो यू चेक आउट द रिकॉर्डिंग्स आफ्टर 2 hours, 3 hours फॉर द शो is uploading on YouTube and then you will able to listening over there. जिन लोगों ने हमारा शो को मिस कर दिया है उनके लिए ये खास तौर पर रिकॉर्डिंग है जो बाद में जाके सुन सकते हैं, लेट कर सुन सकते हैं, अपने बैड पर इंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ रात में। थैंक यू सो मच शहजादी भट्ट, आप हमारे साथ कॉल पर आई और हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, और अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी तो मैं उनसे पैर पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैं पकड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप चलेंगे एक और ट्रैक की तरफ और टाइम शॉर्ट है और ट्रैक्स भी हमें साथ प्ले करने हैं। आप सबको करते हैं वार्म वेलकम वंस अगेन। हाफ लाइफ कह रही है आरजे हम आपको सुन रहे हैं, मतलब कि अच्छा शो कर रहे हैं आप, तो फन करते हैं हम आपके साथ, वरना ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ऑन एयर आकर सिंगिंग कर रहे हैं। आई ऑलवेज अप्रिशिएट हाफ लाइफ, आपके बैनर्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं जो आप अपनी तरफ से खुद क्रिएट करती हैं और वो लगा के पोस्ट करती हैं। आप एक न्यू यूज़र थी और ये वो यूज़र थी हमारी, जब ये शुरू में आई तो मुझे मेरे हॉरर शो में मैंने कॉल्स का कहा, उन्होंने कहा हम आप पे भरोसा कैसे कर सकते हैं आप हमारी आईडी को अगर मिस कर दिया, तो मैंने हाफ लाइफ को समझा, मैंने कहा वहाँ पे एक ब्लॉक का ऑप्शन है, आप कॉल के बाद मुझे डायरेक्ट ब्लॉक करें और जब शो का टाइम हो तो वापस अनब्लॉक कर दें, कैसा है ना मज़े का। थोड़ा सा सेंस यूज़ करते हैं लेकिन सिक्योरिटी पूरी देता है, स्काइप भी व्हाट्सएप भी कहीं भी जाएँ आप आरजे इज एवरीवेयर। तो थैंक यू सो मच मिस जैनी, मैजिशियन ने हमें ज्वाइन किया है, मैजिशियन को कहते हैं वार्म वेलकम अपने शो में, बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं और इसी तरह करते रहे अपने शो को हमारे साथ एंजॉय। और चलते हैं ट्रैक की तरफ, आई टेक यू टू द कैंडी शॉप, द ट्रैक इज अपकमिंग, द लेजेंडरी ट्रैक, द ओल्ड ट्राइम ट्रैक विच इज रियली क्लासिक रियली विंटेज बाय कमिंग ऑन योर ईयर्स। मिलते हैं छोटे से ट्रैक के बाद। वेलकम करते हैं एक बार फिर से सबको, सॉरी गाइस जितने लोगों ने मुझे ट्रैक प्ले करने की रिक्वेस्ट किया, आई एम रियली सॉरी बिकॉज दिस इज ऑफिशियली शो, वीकेंड का टाइम है एंड इफ आई डाउनलोड द ट्रैक्स फॉर यू गाइस और आई प्ले ट्रैक्स फॉर यू गाइस तो वो फिर सबकी एक यू नो विशेस जाग जाती हैं और फिर मैं चाहता नहीं कि मैं किसी की विशेस जो है वो अनफुलफिल करूँ और मैं उसको फिल ना कर पाऊँ तो मेरा दिल टूट जाता है कि किसी की ट्रैक प्ले नहीं हुआ। सो आई डू द शोज रिगार्डिंग फैन लेटर किसी और दिन जो संडे और फ्राइडे के बगैर होता है, तो उसमें मैं डीजे करते हुए सबको ट्रैक भी डेडिकेट करता हूँ और सबको कोशिश करता हूँ सबकी ट्रैक्स की जो रिक्वेस्ट है उसको वहीं प्ले कर दूँ, बिकॉज अगर हम ऑफिशियल शो को छेड़ेंगे तो वहाँ ट्रैक्स शो बन जाएगा, वो फिर हमारा जो टॉपिक था हम उस पर फोकस हट जाएगा। तो आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है
जस्ट डू लेट मी नो. मैंने आपको तीनों फेवरेट ट्रैक्स बता दिए अपने, इंग्लिश, उर्दू और बॉलीवुड वाला, तो आप वो जो है मुझसे शेयर कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी ट्रैक ऐसा पसंद है जो आप कहीं भी सुने तो आपको मजा आए. ऑलराइट, आपका हीरो ने हमें ज्वाइन किया है. आपका हीरो हमारे मूछे पकड़ के जो है वो खींच रहे हैं. आपका हीरो आपको वेलकम करते हैं. आपकी डीपी को क्या हो गया ये, और कोई बात नहीं, इन्होंने ऐसी लगाई हुई है. वेलकम करते हैं इनको भी. और कभी कभी लोग ऐसे स्केरी नेक, ऐसे स्केरी डीपी लगा के आते हैं कि बंदे का जो खास तौर पे लेडीज का पूरा दिन खराब जाता है उनको उस डीपी को देख के, उस निक को देख के. और उनको बार बार जो है वो याद आ रहा होता है घर पे रह के कि क्या निक था, क्या ट्रैक था. इस तरह वाला सीन हो रहा था उनके साथ. ओके गाइस, अब आप एक अच्छे से भूत की आवाज सुना दें. मीन सॉन्ग, I take to the candy shop, Captain America. उसके बाद जो है मलंग ने हमें ज्वाइन किया. मलंग को करेंगे वेलकम अपने शो में और चलेंगे जल्दी से भाग के एक और ट्रैक की तरफ. एंजॉय करेंगे आपके साथ मिलके. आते हैं ब्रेक के. समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया. I take you to the candy shop. Annie को welcome करते हैं अपने show में. And थोड़ा सा time रह गया है, तो I just speed with Nitro on the tracks. और मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा tracks play हों आप लोगों के लिए उतना अच्छा है. तो मैंने ये track play किया. And Captain America कह रहे हैं ये song सुन के impress नहीं बल्कि मार ही पड़े जो आप voice, आपकी voice में था. ऐसे ही है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भूत की वॉइस थी और आपकी रिक्वेस्ट थी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता कैप्टन अमेरिका. आई हैव टू डू व्हाट पीपल सेइंग टू मी रिगार्डिंग गोस्ट, रिगार्डिंग स्टोरीज, रिगार्डिंग हॉरर शो, रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट शो, रिगार्डिंग यूएमएल, रिगार्डिंग यूएमएल पीपल्स, रिगार्डिंग पाकिस्तान, रिगार्डिंग ऑल ऑफ द सिटीज, रिगार्डिंग ऑल द फॉरनर्स ऑफ पाकिस्तानीज आर लिविंग टू द अब्रॉड. इन सब के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है. अगर मैं ना करूँ तो यू नो दैट ब्रोक देयर हार्ट्स एंड आई डोंट वॉन्ट दैट. तो गाइज अब हम जो है वो ट्रैक के पास चलेंगे और देखेंगे वो ट्रैक कौन सा है और आप लोग उसको एंजॉय करेंगे. मेरे पास पीएम आ रहे हैं. करते हैं, अभी तबीयत खराब हुई तो बंद हो जाएगी. अच्छा, जो यूजर हमारे पास आ रहे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है. कोशिश करते हैं अगर वो हमें कर पाएंगे कनेक्ट तो हम उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि उनका सांस का थोड़ा मसला है. आप लोग दुआ करें कि वो ठीक हो जाए. आमीन. और चलते हैं ट्रैक की तरफ, ट्रैक सुनते हैं और देखते हैं यूजर हमारे साथ क्या कह रहे हैं. स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू टेल अस योर फेवरेट ट्रैक. मिलते हैं ट्रैक के बाद. खराब करे, पागल की बेहिसाब करे,
ऑलराइट गाइस, आरजे अरमान आ चुके हैं और सॉरी कॉल्स आर ऑफ नाउ बिकॉज दूसरा आरजे जो है वो यहाँ आ चुके हैं एंड आई हैव टू गिव द रेडियो टू हिम बिकॉज वो भी बहुत अच्छा शो करते हैं और आपको एंटरटेन करना चाहते हैं अपनी आवाज़ से, अपने ट्रैक से, अपनी बातों से और अपने जादू से। मिस्टर अरमान को करते हैं वेलकम ऑन उर्दू मज़लॉबीज़ प्लेटफॉर्म एंड कहते हैं गुड लक फॉर योर ट्रैक। एंड हैरी हीरो वोटेक्स हैं यहाँ हैं, हैरी हीरो वोटेक्स हैं। ओके कैप्टन अमेरिका, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मिस्टर अमारमी यहाँ पे आ चुके हैं, एक और ट्रैक लेंगे और बात हो रही थी ट्रैक के हवाले से आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है, तो मुझे लगता है किसी ने, बहुत कम लोगों ने जवाब दिया है और शहजादी बट ने आके तो लाइव अपना ट्रैक को गाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, उनका फेवरेट ट्रैक था। आपका कौन सा फेवरेट ट्रैक था तो आपने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारे ट्रैक्स पसंद हैं और आपको चूज़ करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा ट्रैक आप हमें बताएंगे। ओके गाइज, अब हम चलते हैं एक और ट्रैक की तरफ और ये ट्रैक हम स्पेशली डेडिकेट करेंगे यहाँ पे मिस्टर अरमान को और थोड़ा सा उनका ट्रैक उनको प्ले करके यहाँ से इजाजत लेंगे और रेडियो हैंड ओवर करेंगे मिस्टर अरमान के। मिस जेनी कह रही है आरजे गुड शो लाइक ऑलवेज, थैंक यू सो मच, आई मिस योर ब्रेसलेट वॉइस विच यू आर डूइंग वाइल यू आर डूइंग अ शो। एंड जब भी ये उसको खनकाती हैं तो ब्रेसलेट की जो साउंड होती है उनके शो में चार चांद लगा देती है, तब से मिस जेनी का जो सिग्नेचर है वो यही है। हैरी हीरो हमारे साथ हैं, गुड शो आरजे, थैंक यू सो मच, ये शहजादी बट हैं और आपका बहुत शुक्रिया आके हमारे साथ गाना गाने का। पता नहीं इनको कौन सा ऐसा चीज़ पसंद आई तो उन्होंने फ़ौरन डीपी चेंज की, नाम चेंज किया और शी इज़ हेयर बैक। सो हम चलते हैं आरजे अरमान के ट्रैक की तरफ और उनको डेडिकेट करते हैं और आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, आई वॉन्ट टू डेडिकेट टू अरमान, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। And I, before I go with this track, I just want to wind up the show because its time is up and I want to give the radio to Mr. Arman. Last track हमने उनके नाम कर दिया क्योंकि वो न्यू आए हैं यहाँ पे, उनकी शो है और उससे पहले मैंने उनको कभी कोई डेडिकेट नहीं किया ट्रैक। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, इतवार को मुलाकात होगी 12 बजे सेम टाइम सेम प्लेस उर्दू मज़ा लॉबी विद द न्यू स्टोरीज। आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी हो डोंट फॉरगेट टू कम ऑन द कॉल, आप लोग कॉल में आना ना भूलें और वहाँ पे स्टोरी आप अपनी आवाज़ में सुना सकते हैं। प्लस आप हमारे चैनल पर जाकर बैनर भी देख सकते हैं हॉरर शो का, वहां पर आपको स्टोरीज कहां भेजनी है वो आपको वहीं पता चल जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद द यूएमएल, एंजॉय द अदर आरजेस, एंजॉय योर हेल्थ, एंजॉय योर मूड्स विद द ट्रैक्स विद द शोज ऑफ उर्दू मज़ा लॉबी। स्टे सेफ वेयर एवर यू आर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग आउट फ्रॉम द रेडियो, अल्लाह हाफिज।